एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, राखी का टाइम आ गया है, रक्षाबंधन आ गया है। सभी लोग अपने भाई की कलाई पे राखी बांधेंगे। तो यहाँ आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए, बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आए, इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए। यहाँ हम घर पर ही राखी बनाएंगे बहुत ही कम सामान से। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं करना होगा और बहुत ही सुंदर राखी बन जाएगी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ राखियाँ बनाई हुई हैं। हम आपको एक राखी बनाकर दिखाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने सतिया वाली राखी बनाई है मौली की हेल्प से। देखिएगा, यहाँ हम बना के रख चुके हैं। अभी इसको ड्राई होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ हम आपको बता देते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। यहाँ हमने जो सूती वाला मौली होता है वो लिया है, गम लिया है। यहाँ हमें लेसेस लेनी है, जो भी आप जैसी लेसेस पसंद हो उस तरीके की लेनी है। कुछ इस तरीके का मोती लेना है, कुछ जर्किन वाले हमें ये कुंडन लेने हैं। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा मेरे यहाँ रखी तो मैंने वही है। चलिए स्टार्ट करते हैं राखी को बनाना। सबसे पहले हमें मौली है उसको कुछ इस तरीके से राउंड करना है। आप लोग देखिएगा, यहाँ हमें काफ़ी मात्रा में राउंड करना है, तो बता देंगे हम आपको कितना राउंड करना है, आप लोग देख के समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, आप बहुत राउंड लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है और एक बीच में इसको गांठ लगा देंगे, इसकी नोट बना देंगे हम। देखिए, यहाँ हमने नोट लगा दिया है इसको। अभी इसको बारी आती है कट करने की। सीजर की हेल्प से हम कट करेंगे। यहाँ इसमें हम नोट लगा देंगे, टाइट नोट लगाना है हमको, लूज नोट नहीं लगाना है। यहाँ हमने अच्छे से नोट लगा दिया है। और ये राखी देखने में बहुत ही सुंदर है, और आप बनाकर देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे आप। तो भी इसमें जो एक्स्ट्रा है नॉट के बाद उसको कट कर देंगे। ये देखो, गिर गया नीचे, कोई बात नहीं। अब इसको बीच से कट करेंगे, कुछ इस तरीके से निकाल लेना है हमें और इसको कट कर देना है। सीजर की हेल्प से हम इसको कट कर देंगे। एक साइड कट हो गया, इस तरीके से ही दूसरे साइड भी कट कर लेंगे बीच से। यहाँ हमने कट कर लिया है। अभी हम इसको एक राउंड शेप देंगे, अच्छे से फैलाते हुए राउंड शेप देना है हमें। नोट वाला धागा थोड़ा नीचे आ जाएगा, उसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, सही करते रहेंगे। राउंड शेप देना है हमें इसको, तो एक बार अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे और फिर इसको राउंड शेप में हम कट कर लेंगे। छोटा बड़ा आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कीजिएगा। ग्लू से जो साइड का थोड़ा रहेगा तो हम उसको ग्लू कर देंगे। अभी बारी आती है आप इस पर क्या बनाएंगे, ओम बनाना है, सतिया बनाना है, या यूं ही कुछ डिजाइन बनाना है। तो हमें यहाँ ओम बनाना है, तो हमने यहाँ ओम बना दिया है, ग्लू से ओम बना लिया। अभी इस पर हम कुंदन लगाएंगे, जर्किन वाले जो कुंदन होते हैं उनको लगाएंगे। आपके पास जो हो या आपकी पसंद के अनुसार आप वो लगा दीजिएगा। ये हम गोल्डन कलर का कुंदन लगा रहे हैं इसमें, आप देखिएगा। यहाँ देखिए, पूरा हमने लगा लिया है। अभी इतनी कितनी सुंदर राखी लग रही है, आप देखिएगा। अभी इसमें जो ग्लू चमक रहा है वो ड्राई होने के बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब बारी आती है इसमें जो कलाई पे जो धागा होता है वो बांधने के लिए। तो आप चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से, जैसे हम लोग चोटी बनाते उस तरीके से गोके बना सकते हैं, या डबल करके बना सकते हैं, या नॉर्मली, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ हम मौली ले रहे हैं कलावा वाला, और इसको साइड से हमने नोट कर दिया है। ये हमने दो लिया है, तो चोटी वाला तो नहीं बना रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम इसको बनाएंगे धागे को। एक धागा हमें इस हाथ में लेना है, कुछ इस तरीके से इस साइड से टर्न करते जाएंगे और यहाँ एक डिजाइन बनता जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं।
ये देखिए हो गया है। अभी एक साइड तो नोट लगी हुई थी, दूसरे साइड भी हम नोट इसको कर देंगे। अभी इस पे राखी लगा देंगे, तो सबसे पहले हम इस पे ग्लू लगाएंगे। तो यहाँ हम सेंटर में ग्लू लगा लेते हैं और थोड़ा सा ग्लू हम राखी पे भी लगा देंगे। अभी ये ग्लू कुंदन जो लगाए अभी वो सूखा नहीं है, ड्राई नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से लगाएं, या फिर आप ड्राई होने के बाद ही इसमें धागे पे लगाएं। तो धीरे से हम लगाएंगे बहुत सावधानी से। आप इस तरीके से बहुत सी राखियां बना सकते हैं, बस डिजाइन आपको देना है। यहाँ देखिए अब बस ड्राई होना रह गया है और ये राखी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो चलिए इसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं हमने कितनी राखियां बनाई हैं आज और कौन कौन सी डिजाइन की बनाई है। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी राखी कौन सी लगी है, और कमेंट करके बताते रहिएगा आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर मेरी कोई मिस्टेक हो तो प्लीज वो मुझे जरूर बताइए। अभी ये हमने राखियां बनाई है, अभी ये ड्राई होंगी, और भी राखी बनाएंगे तो हम आपको दिखाते हैं। हम ये राखियां ड्राई हो गई, आप लोग देख सकते हैं। एक राखी हमने ये बनाई है, ये देखिए, सेकंड ये बना थी राखी हमने। और प्लीज 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 फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको सबसे अच्छी राखी कौन सी लगी है। और हमारे सभी भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन, सभी लोग खुश रहें। इस बार आपको मार्केट जाने की भी जरूरत नहीं, घर पे राखियां बनाएं और भाई को कलाई पे बांधें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल रोजी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर भी करना, और कमेंट करके बताइए कौन सी राखी पसंद आई है आपको।